My dear student and learner, today we are just brief सभी बच्चों को काम लगे ऐसा purine derivatives के different structure देखने वाले. तो before going to understand this purine derivative structure, आपको क्या करना चाहिए, ये subscribe कर देना चाहिए और ये घंटी बजा देनी चाहिए. तो जब भी मैं यहाँ से घंटी बजाऊ तो आपकी मोबाइल की भी घंटी बज जाए कि नया वीडियो भी आ चुका है. तो चलो देखते हैं कि क्या होता है. So first, I try to draw here the structure of purine. तो अभी ये purine कुछ इस तरह का हुआ करता है. This is the structure of what? Purine. इस तरह से आपको हर बार draw करना है. ये आना ही चाहिए. अभी purine में से मैं तीन parts बनाने वाला हूँ. So what are these three parts? तो ये किए. Second one is this one. And third one is this. ठीक है. So what is the second one? I show you here. I write here only amine group. And here I write only ketone group. And here ketone. एंड अमाइन बोथ प्रेजेंट. ठीक. चलिए अभी मैं ड्रॉ करता हूं. ओनली अमाइंस में क्या है? तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन. ये हर बार ड्रॉ ही कर देना है. तो आप ये बनाओगे तो यहां पे मैं NH2 ड्रॉ करता हूं. ठीक है. तो एक कुछ हमारा एक स्ट्रक्चर हो गया, उसको बोलते हैं एडिनाइन. एडिनाइन. सेकेंड, ओनली कीटोन में क्या होता है? सो आई शो यू हियर. सॉरी, इन केस ऑफ ओनली कीटोन आई हैव टू ड्रॉ अगेन. The first is only ketone, means ki this type का structure. उसको बोलते हैं hypoxanthine. Hypoxanthine. अभी और आगे चलते हैं, कीटोन और लगा दीजिए. यहां पे भी और यहां पे भी, तो उसको बोलते हैं ग्जैंथिन. ठीक. यहां से आगे चलते हैं और सभी जगह पे कीटोन लगा देते हैं. सॉरी, ये नहीं आएगा. ठीक है. यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी. दिस इज नोन एज यूरिक एसिड. नाउ द क्वेश्चन इज कीटोन एंड ग्वानिन, ये इसमें क्या हो जाएगा? सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन. This is ketone and this is amine. This is known as a guanine group. Now in the xanthine also we have three derivatives. One, two and three. What are they? I told you that these are the suppose this is xanthine. So in xanthine we have, I give the number, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So first I try to draw here a structure of xanthine.
I have to draw a three structure of xanthi. One, यहाँ पे लगा दीजिए, ये हो गया xanthi. फिर यहाँ पे यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, ठीक है. सर यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, दिस इज जस्ट डबल बॉन्ड. ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा, ठीक है. अभी आप देख लीजिए यहाँ पे, तो ये मैं उसको 1,3 बोलता हूँ, उसको मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, हाँ ठीक है, उसको मैं 1,7 बोलता हूँ, ओके. और उसको 1,3 और 7, ये जो मैंने बताया है ये मिथाइल ग्रुप है. दिस इज मिथाइल, दिस इज मिथाइल, दिस इज मिथाइल, दिस इज ऑल्सो मिथाइल, दिस इज ऑल्सो मिथाइल, दिस इज मिथाइल. सो इन दैट केस आई कैन से 1,3 डाई मिथाइल ग्जैंथिन, उसको बोलते हैं 1,3 डाई मिथाइल ग्जैंथिन. दिस इज नोन एज व्हाट? थियोफाइलिन, थियोफाइलिन, ठीक है. अभी मैं इसकी चीज यहां पे लिखता हूं, यह है 1,7 डाइमिथाइल, 1,7 डाइमिथाइल ग्जैंथिन, तो उसको बोलते हैं थियोब्रोमिन, थियोब्रोमिन. और ये चीज जो है वो मैं यहां पे लिखता हूं, आप अपनी बुक में अच्छी तरह से लिख दीजिए क्योंकि यहाँ पे इतनी ही जगह हो रहेगी. 1,3,7 ट्राइमिथाइल ग्जैंथिन, उसको बोलते हैं कैफीन. तो ये चीज आपको अल्कलॉइड्स में चलेगी, ये चीज आपको जब अल्कलॉइड पढ़ोगे ना तब वो बहुत ही जरूरत होगी. तो ये थी, तो ये मेरा एक तरीका था कि प्यूरिन को कैसे क्लासिफाइड करते हैं और उसको कैसे याद रखे जाए. तो हाइपोक्सैंथिन, ग्जैंथिन, यूरिक एसिड, कैफीन, थियोब्रोमिन, थियोफाइलिन, ग्वानिन, एडिनिन, सबके स्ट्रक्चर इसमें आ गए अगर आप इस सिस्टमेटिक आपकी बुक में लिख दोगे. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप उसको इस तरह से हमारा वीडियो को आगे चलाए रखिए, तो दूसरे बच्चों को भी उसका एडवांटेज हो. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.